नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज कालावाली में अपने कैंडिडेट राजेंद्र सिंह देशुजोधा को नॉमिनेशन करवाने के लिए कालावाली पहुंचे। नॉमिनेशन करवाने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा की सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी, वह चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा समझौता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हुआ है और हम दोनों ही मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह देशुजोधा पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए। पिछले 5 साल से वे कालावाली के इंचार्ज भी रहे थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनकी टिकट काट करके बलकौर सिंह को देने से वे खफा हो गए। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद अकाली दल ने उन्हें कालावाली का अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब इनेलो से समझौता होने के बाद उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। पलपल कालावाली से विमल गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। इंडियन नेशनल लोकदल साहब की पार्टी देखिए श्रोमणी अकाली दल इंडियन नेशनल लोकदल का गठजोड़ है, पुराना गठजोड़ है। जिस तरह प्रकाश सिंह जी बादल और चौधरी देवीलाल जी का संबंध पीढ़ियां तो पीढ़ियां चल रहा ते पूरे 90 सीटा से श्रोमणी अकाली दल इंडियन नेशनल लोकदल एक दूजे कट्ठे लड़के लड़ते देशुजोधा जी जे सा उम्मीदवार वही लीड ना सर की लगता है सर एक बार दोबारा गठजोड़ होया सर पहला राज नहीं गठजोड़ सा पुराना ही है कोई दोबारा नहीं होया गठजोड़ पुराना ही है टुट गया सी टुटिया नहीं सी जिमें परिवार का सा परिवार ही है पर सर इस वजह मुद्दे से चौटाला साहब की राय अंडर है कि हर स्टेट सूबे की पार्टी का अपना होंगे सर सर बीजेपी ने की लगता है सर यार सवाल तो पूछूंगा यार कमाल हो गया यार बीजेपी बारे